नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जो एक शराब घोटाला चल रहा है बहुत दिनों से, जिसकी जांच सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहे हैं। उसी क्रम में कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के कारणों पर कल हम लोग कई कार्यक्रम कर चुके हैं, तो आप उसमें समझ ही चुके होंगे कि हाईकोर्ट में उन्होंने जो अपने लिए सुरक्षा मूव की थी कि उनको अरेस्ट न किया जाए, वो खारिज हो जाने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी को ये मौका मिल गया था कि वो अब उन पर कार्रवाई कर दे, क्योंकि वो इसके बाद दूसरी कोर्ट्स में यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में उसी सुरक्षा के लिए प्रयास करने जा रहे थे। उन्होंने किया भी, लेकिन उसके पहले उनके यहाँ छापा ईडी ने डाला और कल रात उनको गिरफ्तार कर लिया। इस केस में इसके पहले कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया काफ़ी लंबे समय से, एक साल से ज़्यादा समय से जेल में है। उससे मिले जुले मामले में उन्होंने संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर रखा है। इनकी पार्टी के एक विजय नायर नाम के व्यक्ति सबसे ज़्यादा समय से जेल में, पहले वो सीबीआई की अभिरक्षा में थे, बाद में वहाँ उनकी जमानत हुई तो ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, वो तब से जेल में ही हैं और इस मामले के एक प्रमुख पात्र बताए जाते हैं। कई दक्षिण भारत के, खासकर हैदराबाद से जुड़े हुए उद्योगों से जुड़े हुए लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे इसके पहले तेलंगाना के, उनके परिवार से के कविता गिरफ्तार हुई हैं अभी हाल में ही। तो इसमें काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस में, जो कई उद्योगों से रिलेटेड बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से कई लोग अप्रूवर बन गए, यानी वादा माफ़ गवाह, ऐसे लोग जो कोर्ट और एजेंसियों के सामने ये बयान दे देते हैं कि वो जो भी उनका आचरण था उसको स्वीकार करने और उसके बारे में बयान देने को तैयार हैं और उनके साथ रहम किया जाए। ऐसे मामलों में बहुत सारे लोगों को एजेंसियां, कोई भी जांच एजेंसी होती है, पुलिस होती है, केस को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और अप्रूवर बनाने से उनको फ़ायदे हो जाते हैं। अप्रूवरों को ये फ़ायदे हो जाते हैं कि जैसे इस मामले में पीएमएलए में आसानी से जमानत नहीं होती, तो इनमें से इन लोगों को जमानत वगैरह मिल जाती है, केस इनका कमज़ोर कर दिया जाता है और कई बार कोर्ट से भी इनके लिए रहम की मांग ली जाती है और इनको आज़ादी मिल जाती है। तो अपनी आज़ादी की कीमत पर ये कई बार इस तरह की स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। इसमें कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि जो जाँच एजेंसियाँ होती हैं, चाहे पुलिस की कोई भी एजेंसी हो या किसी अन्य विभाग की, वो एजेंसियाँ कई बार अपने टारगेटेड लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें मैन्यूवरिंग भी करती हैं। कोर्ट इनको एग्जामिन करते हैं कि कहीं ये मैन्यूवरिंग तो नहीं हो रही है, कि मिला जुला के एक इनसे गवाही दिलाई जा रही जिससे सामने वाले के खिलाफ केस मजबूत कर लिया जाए, और वो झूठी गवाही भी हो सकती है, और मतलब ये सारी चीज़ें उसमें संभावनाएँ रहती हैं। इसलिए इसको पूरी मतलब शंका की दृष्टि से ही देखना चाहिए, इसको ज्यों का त्यों नहीं मान लेना चाहिए। जो एक सामान्य न्याय प्रणाली के बारे में अध्ययन करता हर एक समझते हैं इस बात को कि कोई भी चीज़ प्रोसिक्यूशन जो आपके सामने पेश कर रहा है उसे ज्यों का त्यों लेने गलत हो सकता है, कई बार गलत साबित होता है। इसलिए ज़रूरी है कि उस पर शंका करते हुए उसको देखें, विवेचना करें और कोशिश करें कि उसमें से जो सच है वो आपके सामने आ जाए। तो अब इसमें एक बहुत बड़ी सूचना साथ ही साथ इसलिए आ गई कि आप जानते ही हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसके पालन के क्रम में 21 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो जो एक यूनिक नंबर था सारे अकाउंट्स पर, जो जितने भी बॉन्ड बने थे, वो जारी कर दिया और उसको इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया। उसके मिलान से इस केस में एक बहुत बड़ी चीज का खुलासा हो गया, और वो जैसा मैंने कहा था कि शंका करने से ये जरूरी होता है शंका करना, तो ये शंका सबूत के साथ आ गई। ये बहुत गंभीर बात है, इन दोनों को जब आप मिला के देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि तब आपको शक होगा कि जो कुछ कार्रवाइयां एजेंसीज कर रही हैं उनके पीछे राजनीति साफ साफ आपको नजर आएगी होती हुई। इसके एक पात्र है अरबिंदो फार्मा नाम की एक कंपनी, उसके एक निदेशक है मिस्टर रेड्डी। मिस्टर रेड्डी को 2022 में, नौजवान है, 35-40 साल के हैं, पारिवारिक कंपनी है अरबिंदो फार्मा, एक बड़ी दवा कंपनी है, उसके निदेशक हैं। इस मामले में जो दक्षिण काकटेल का नाम लिया गया था, कार्टेल,
दक्षिणी कार्टेल का नाम लिया गया था, उसमें उनको भी एक अभियुक्त बनाया गया था और 2022 के नवंबर के पहले हफ्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी क्रम में उसमें कई व्यापारी जो कार्टेल में बताए गए थे गिरफ्तार हुए, एक वो भी गिरफ्तार हुए। अब इसमें तिथियों का ध्यान रखिए, 2022 नवंबर पहला हफ्ता, रेड्डी साहब जो अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं गिरफ्तार किए जाते हैं शराब घोटाले में, इसलिए कि ये माना जाता है कि ये जो दक्षिण कार्टेल है ये उसके सदस्य हैं और जो उसके जरिए पैसा इकट्ठा करके कहा गया, जैसा आरोपित किया गया कि आम आदमी पार्टी को दिया गया, वो पैसा इकट्ठा करने में उनकी भूमिका है। तो पहले हफ्ते में नवंबर में 2022 में वो गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद ये खबर आती है कि वो अप्रूवर बनने को तैयार है, उसके बाद उनका परिवार अरविंदो फार्मा कंपनी की ओर से 15 नवंबर 2022 ये तारीख याद रखिए, पहले हफ्ते में गिरफ्तारी हो गई है नवंबर में 2022 में, उसके 7-8 दिन बाद ही 15 नवंबर 2022 को उनकी कंपनी 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदती है, 1-1 करोड़ रुपए के 5 बॉन्ड खरीदती है। और ये बॉन्ड अब जो रिकॉर्ड उपलब्ध है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, इसको कई एजेंसीज ने, पत्रकारों की जो अपनी पोर्टल्स हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं, उन्होंने जांच करके पाया है कि ये 5 के 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। अब देखिए इसमें आप समझना शुरू करेंगे, एक आदमी गिरफ्तार होता है, उसको जमानत चाहिए, पीएमएलए का केस है, जमानत मिलती नहीं है, सालों साल आदमी जेल में रह जाता है, लेकिन अगर आजादी उसको चाहिए तो वो और एजेंसी के बीच एक समझौता होता है, वो उसकी ओर से बॉन्ड खरीदे जाते हैं और सत्तारूढ़ दल के खाते में वो बॉन्ड जमा होते हैं, इसके बाद वो आदमी अप्रूवर बन जाता है, एजेंसी उसकी जमानत का विरोध नहीं करती, वो आदमी जमानत पर बाहर आ जाता है। अब आप इसमें देखिए, ये सत्य है, इनके तथ्य चूंकि उपलब्ध है, अरविंद केजरीवाल के यहां, संजय सिंह के यहां, मनीष सिसोदिया के यहां से कोई बरामदगी नहीं हुई, लेकिन यहां ये पैसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं कि एक आदमी को अपनी जमानत लेने के लिए अरेस्ट करने के बाद वो इस तरह का बॉन्ड खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, अप्रूवर बनते हैं और ईडी उनकी जमानत का विरोध नहीं करती और उनको जमानत मिल जाती है। बात यहीं तक नहीं रुकती, इसके बाद अगले साल 8 नवंबर 2023 को यही पार्टी 23 करोड़ रुपए के और बॉन्ड खरीदती है, 25 करोड़ रुपए के, 8 नवंबर 2023, एक साल बाद, नवंबर 15 को उसने पहला 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदा था, 8 नवंबर 2023 में वो 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है और 25 करोड़ के बॉन्ड सब बीजेपी को दे देती है। अब आप इसमें एक क्विड प्रो को कैसे नहीं है ये बताइए, और अगर ये है तो क्या इस पर मुकदमा नहीं बनना चाहिए, ये सवाल बनता है। क्या इसमें एजेंसी भी प्रोसिक्यूट नहीं होनी चाहिए, अगर उनके दबाव से कोई आदमी चंदा सरकारी पार्टी को दे रहा है जो पार्टी सत्ता में है, तो उस पर शक होगा कि नहीं होगा, और अगर शक है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि क्विड प्रो को का मामला है कि नहीं, और क्या इसमें फिर ये शंका नहीं होगी कि जिसको आपने अप्रूवर बनाया है वो रियल अप्रूवर है या फॉल्स अप्रूवर है, वो अपनी आजादी के लिए झूठी गवाही तो नहीं दे रहा है। ये सवाल सामने अब इस तथ्य के आ जाने के बाद इसलिए भी आ रहा है कि यही अरविंदो फार्मा ने इसके पहले सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बॉन्ड खरीदे थे, इसके पहले भी, इस घटना के पहले भी उन्होंने बॉन्ड खरीदे और दिए हैं पार्टियों को, किसको दिए हैं, कितने दिए वो जरा सुन लीजिए। इन्होंने अप्रैल में 2021 में 2.5 करोड़ के बॉन्ड TDP को दिए हैं, चूंकि ये हैदराबाद की कंपनी है तो ये तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में चंदा देती है, TDP को दिए हैं। जनवरी 2022 में इसने 3 करोड़ रुपए के बॉन्ड BJP को दिए हैं, सिर्फ 3 करोड़ के, यानी अरेस्ट होने के पहले, एक साल पहले ये पार्टी सिर्फ 3 करोड़ का बॉन्ड बीजेपी को देती है, 2.5 करोड़ का TDP को देती है और 15 करोड़ का बॉन्ड अप्रैल 8, 2022 में तेलंगाना की सरकारी पार्टी को देती है जो तेलंगाना में शासन में है।
ये समझ में आता है, क्योंकि जहां जो लोग सत्ता में होते हैं वहां काम करने वाले उद्योगपति उनके साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए चंदा वंदा देते रहते हैं। कई जगह जहां ज्यादा ताकत होती है बीआरएस से उनको कुछ काम रहा होगा, वो डिटेल अभी बाद में जांच में हो सकता निकले, तो इन्होंने 15 करोड़ उनको दिया, लेकिन तब उन्होंने बीजेपी को 3 ही करोड़ दिया, 2.5 करोड़ टीडीपी को दिया और जगन रेड्डी को भी उन्होंने एक चंदा दिया, उसके डिटेल अभी नहीं मिल पाए हैं, तो जांच हो रही है पता लगेगा, जगन रेड्डी को भी दिया। तो यानी आंध्रा और तेलंगाना में काम कर रही राजनीतिक दलों को पहले ये छोटा छोटा चंदा देते थे, लेकिन जिस राज्य में ये स्थापित है वहां के मुख्यमंत्री की पार्टी को इन्होंने उस समय सबसे बड़ा चंदा दिया था अरेस्ट होने के पहले। ये इस अपने डायरेक्टर के अरेस्ट होने के पहले की कथा। अरेस्ट होने के बाद इन्होंने सिर्फ 2 ही चंदे दिए और दोनों चंदे बीजेपी को दिए और बहुत बड़ी रकम दी, करीब 30 करोड़ रुपया इन्होंने, करीब नहीं 30 करोड़ रुपया ही दिया इन्होंने, सिर्फ बीजेपी को दिया और ये आजाद भी हो गए और ईडी ने इनकी आजादी का विरोध नहीं किया, समर्थन किया, इनको अप्रूवर बना लिया। ये जो सूचना है ये इस केस में बहुत शंका पैदा करती है कि जो जांच हो रही है, जो आरोप इनके ऊपर विपक्ष लगा रहा है, अभी तक हम लोग वही कह रहे थे जो एजेंसीज ने अब तक किया था केजरीवाल के मंत्रियों के खिलाफ, केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ भी जो तथ्य इन्होंने तब दिए थे वो तथ्य हमने आपके सामने जो के थे वो प्रस्तुत किए थे, जो उसमें हमें शंका थी उन शंकाओं का जिक्र किया था, जो कन्फर्म था उन कन्फर्म चीजों का जिक्र किया था। अब ये कन्फर्म सूचना हमारे पास है जो दूसरी तरफ के लिए ले जाती है, तो इसलिए जो कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ उसको ज्यो का त्यों स्वीकार न कर लीजिए, शंका करिए, सूचनाओं की प्रतीक्षा कीजिए और अपने विश्लेषण कीजिए, तब कोई नतीजा निकालिए या नतीजों का इंतजार कीजिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये घटनाएं बहुत परत एक दूसरे के अंदर छुपाए हुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी सूचनाएं उनके नीचे है, तो आज इस क्रम में ये सूचना, भविष्य में कुछ और डेवलपमेंट होता है तो वो भी लेके हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।